हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम ओट्स पेनकेक बनाएंगे। ओट्स तो सबको पता है कि कितना फ़ायदा का चीज़ है। इसमें हाईली रिच फाइबर होता है जो पेट के लिए बहुत अच्छा है और ये ब्लड शुगर को कम करता है, साथ ही साथ ये वेट कंट्रोल करता है। ओट्स को हम डिफरेंट टाइप से यूज़ करते हैं, जैसे कोई ओट्स दूध में डालकर खाता है तो कोई मसाला ओट्स बनाकर खाता है। आज हम ओट्स पेनकेक बनाएंगे, तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। ओट्स पेनकेक बनाने के लिए हमने एक कटोरी ओट्स, एक ग्रेट किया हुआ गाजर, 3 चम्मच दही, कटा हुआ प्याज और मिर्चा और कटा हुआ हरा धनिया लिया है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें सारा ओट्स डालेंगे। फिर हमने जो 3 चम्मच दही लिया था वो डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि ओट्स थोड़े फूल जाए। हमने यहाँ इंस्टेंट ओट्स का यूज़ किया है जो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसलिए मिक्स करने के तुरंत बाद हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे। आप हार्ड ओट्स का यूज़ करते हैं तो 10 मिनट दही और पानी में भिगोने के बाद ही इसका यूज़ करें। फिर इसमें ग्रेट किए हुए गाजर, फिर कटे हुए प्याज और मिर्चा, फिर कटा हुआ धनिया पत्ता, फिर स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच सब्जी मसाला और आधा चम्मच गरम मसाला डालकर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप अंडा खाते हैं तो यहाँ पर एक अंडा फोड़ कर डाल सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है कि अंडा के साथ दही नहीं डालना है, दही को आप स्किप करें। सारे वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो चलिए अब फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए एक फ्राइंग पैन लिया है। फ्राइंग पैन जब गर्म हो जाए तब उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर उसे चारों तरफ फैला लेंगे। फिर चम्मच की मदद से तैयार किए हुए ओट्स के बैटर को डालकर इस तरह का पेनकेक बना लेंगे। अगर बैटर चिपकने लगे या पैन पर ना गिरे तो आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लें और चम्मच को पानी में डीप करके पैन केक के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आराम से फैल जाएंगे और शेप ले लेंगे। हमें इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जब पेनकेक एक साइड से पक जाए तब हम उन्हें पलटकर दूसरे साइड से पका लेंगे। पेनकेक को और भी टेस्टी बनाने के लिए हमने इनके ऊपर ग्रेट किया हुआ पनीर डाला है। आप चाहे तो ग्रेट किया हुआ चीज़ डाल सकते हैं, ये दोनों ही ऑप्शनल है। आप इन्हें प्लेन भी खा सकते हैं। फिर इनके ऊपर थोड़ा सा बटर डालेंगे। आप अगर चीज़ डाल रहे हैं तो बटर को स्किप करें। फिर ढक कर थोड़ी देर लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पेनकेक अच्छे से दोनों साइड से पक चुके हैं। अब मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, तो गाइस आप देख सकते हैं ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं।
हमने ओट्स पेनकेक को टोमेटो सॉस और चिल्ली सॉस के साथ सर्व किया है और आप देख सकते हैं ये कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं। सो गाइस, आप अपने घर पर ओट्स पेनकेक जरूर ट्राई करें और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की नई नई रेसिपी बनाकर ला सकूं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।